वह पार्टी है जो तुलसी के पेड़ के तरह हर पत्ते का मान बराबर है। बड़े पद पर हो या छोटे पद पर, सभी तुलसी के पत्ते के तरह पवित्रता से उसका सम्मान होता है और वह पवित्रता बरकरार रखना हम सबों की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी रोटी की व्यवस्था करके राजनीति करता है, राजनीति से रोटी नहीं निकालता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता है। एक तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचारी की जमात है और दूसरे तरफ राष्ट्रवादी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर चलने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आज हम सब बिहार के लोग हैं, हम सब गवाह हैं। बहुत लोग जो हमारे नौजवान कम उम्र के लोग हैं उनको याद नहीं होगा, ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण की धरती रही है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने अपने आवास पर जो सत्ता की राजनीति के शिखर पर पहुंचे बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव और अभी वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों हाथ उठाकर संकल्प लिए थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संकल्प दिलाया था कि हम जाति विहीन समाज बनाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज वो संकल्प लेने वाले व्यक्ति कांग्रेस युक्त भारत अब भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने का काम कर रहे हैं। आज जरूरत है, लगभग 50 वर्ष बीतने को है, हर अर्धशतक में एक नए परिवर्तन के लिए बिहार मचल रहा है। इस परिवर्तन में हमको आपको मिलकर के वैसे लोग को बिहार की सत्ता सुपुर्द करनी है और देश की सत्ता जो देश के हित में एक सफल चालक के रूप में विकास का सम्मान का स्वाभिमान का रक्षा कर सके। आज जो चरित्र की राजनीति करने के बजाय सिद्धांत विहीन चतुराई की राजनीति कर रहा है, वंशवाद को स्थापित कर रहा है, इन वंशवादियों से मुक्ति के लिए हमको आपको मिलकर के सब की जिम्मेवारी है कि बिहार में भाजपा की सरकार बनानी है और फिर से इस बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बैठाना है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी का भाजपा में हृदय से स्वागत है, लेकिन हर कार्यकर्ता अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है और उनके महामंत्र को हमको हर घर तक पहुंचाना है। आज इस मिलन समारोह में यह संकल्प ले लें, एक बार हम लोग नारा लगाएंगे, आप दोहराएंगे, सबका साथ सबका साथ सबका साथ, फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार इस महामंत्र को हर घर तक पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।